यूपी के मदरसे की सर्वे की जंग अब दिल्ली तक आ गई है। योगी सरकार के सर्वे के आदेश बौखलाए मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद दिल्ली में बैठक कर विरोध दर्ज कर रहा है। फिलहाल सड़क पर उतरने की कोई योजना नहीं है, लेकिन 22 सितंबर को फिर बैठक की गई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। जमीयत का यह कहना है कि मदरसे बच्चों को तालीम देते हैं, अपनी भूमिका इस क्षेत्र में वो अदा कर रहे हैं, देश तरक्की में भी योगदान दे रहे हैं, उसे तबाह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन जबरदस्ती ना की जाए। तो शक ना करें, जबरदस्ती ठीक नहीं है। हर मुद्दे सुलझाने के लिए जमीयत तैयार है। मदरसे पर जो बवाल मचा है उसी को लेकर आज ये अहम बैठक बुलाई गई थी। असम में जो मॉडल है वो ठीक नहीं है, ये भी जमीयत उलेमा का बयान है। साथ ही कहा गया कि देश की तरक्की में भी मदरसे योगदान दे रहे हैं। मदरसे के लोगों ने इस देश का पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गवाह है कि मदरसे के लोगों ने और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के जो मदरसों ने किया है, उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। हालांकि मदरसे का काम दूरी को खत्म करना है। हमारा आपका सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए, और किसी वजह से दूरी पैदा हो रही है उसमें हमारा भी कोई कसूर हो सकता है, उस कसूर को हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार थे हैं। और इन्हीं मदरसों के सर्वे को लेकर किस तरह की जुबानी जंग तेज हो चुकी है ये आपको दिखा देते हैं। हम परेशान हैं यकीनी तौर पर, जिस तरह से मदरसों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मदरसों को के ऊपर बुलडोजर की पॉलिटिक्स पूरी चल रही है, तो ये पूरे हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। हम इसको महसूस करते हैं कि ये आपस का भाईचारा और हमारा जो कसीरुल मजहब यानी कि जो मुख्तलिफ मजाहब के लोग बाग हैं उनको रहने के जो हकूक़ हैं उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग परेशान हैं और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और गौर करके फिर कोई फैसला बताएंगे। सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है और सबको चर्चा करनी चाहिए। अच्छी बात है वो लोग मिल बैठ के चर्चा करें और कोई भी सार्थक बात हो जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के विकास से संबंध रखती हो या हमारे मुस्लिम नौजवानों के तरक्की के लिए हो, उनके बेहतर शिक्षा के लिए हो, तो वो हमें भी बता सकते हैं। ये सरकार सबकी सरकार है और सबके विकास के लिए कार्य करने वाली सरकार है और खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए योगी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। तो हम सब मिलकर अपने समाज को आगे ले जाएं, ये मानना है सरकार का। और कोई भी कहीं भी चर्चा कर सकता है, कोई भी मुझसे भी चर्चा कर सकता है, सरकार के किसी भी नुमाइंदे से किसी भी विषय में चर्चा कर सकता है। सबके साथ संवाद करके, सबके परस्पर सहयोग से अपने प्रदेश को, अपने कौम को तरक्की की तरफ ले जाना ये हमारा लक्ष्य है। मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है, वो हम जानते हैं और हम कर रहे हैं। मदरसे हमेशा से हमारे मॉडर्न हैं, हम हमेशा से मॉडर्न रहेंगे क्योंकि हम वक्त के हिसाब से अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। लेकिन जो मदरसे की जो हैसियत है और जो जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, इसको लेकर हम परेशान हैं और इसके ऊपर कुछ फैसला करें। अगर हमें नहीं जानकारी होगी कि बेसिक फैसिलिटीज वहां के बच्चों को मिल रही कि नहीं मिल रही है, जैसे वहां पे टॉयलेट्स है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, इंफ्रा का क्या स्थिति है, कहीं ऐसी जर्जर भवन में तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हो और वो भवन में कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसका सीधा आरोप तो सरकार पे जाएगा। तब तो कोई हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, तब तो आप लोग कहेंगे कि आपने निगरानी क्यों नहीं रखी। तो हम उन बच्चों को एक अच्छी सुविधा और बेहतर भविष्य देने के लिए सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं और इसमें कोई भी डरने या कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। ये मात्र एक सर्वे है
ताकि भविष्य में अगर हम कोई योजनाएं बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई स्कीम लाते हैं, तो उससे उन मदरसों को भी, उन छात्रों को भी फायदा हो। ये सरकार को मदरसों को आबाद करने का प्लान है और ये कोई प्लान नहीं, एक सर्वे है। देखिए, एक शिकायत आई थी लखनऊ में, एक मदरसा था जिसमें वहां के टीचरों ने एक बच्चे को जंजीर से बांध दिया था। तो जब उसके ऊपर FIR हुई, वहां पे बहुत बवाल मचा, तो एक ऐसी बाल संरक्षण आयोग द्वारा एक ऐसी मांग की गई कि ऐसे कौन कौन से मदरसे ज्ञान मान्यता प्राप्त, जहां पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं है, उनको जो उनके राइट्स हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस नियत से किया गया ये सर्वे शुरू, इसकी न्यू यहां से पड़ी। और इस सर्वे में अगर हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सकता है, इस सर्वे से हमको जो है अपने तालीम देने के लिए और अच्छे रास्ते खुल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबको मिलजुल के एक साथ एकजुट होकर अपने युवाओं के बेहतर तालीम के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए हमें काम करना चाहिए। ये तो एक बहाना होता है किसी भी इदारे में मुदाखलत करने का। और जहां तक कि आप देखें कि जितने भी इस तरीके की घटनाएं हैं, अगर उन मदरसों में वाकई तो में इस तरीके की कोई घटना पेश आई है और जंजीर से या किसी भी तरीके की हिंसात्मक कार्रवाई मदरसों की जानिब से बच्चों पर की गई है, तो यकीनी तौर पर उस मदरसे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। लेकिन इस बात को जरूर जहन में रखना चाहिए कि मदरसों के सर्वे से अगर मदरसों का अपलिफ्टमेंट होता तो आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं एड की बुनियाद पर, उनका अपलिफ्टमेंट हो चुका होता।